Hello everyone, I'm Akhilesh Kumar Shivastav, and in today's lecture, we will discuss about a K-candy store named problem at the hacker end. ये mathematics section की problem है और combination से related है, तो आइए इसको हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं. So, Jim enters a candy shop which has n different types of candies. Each candy is of the same price. Jim has enough money to buy K candies. In how many different ways can he purchase K candies if there are infinite candies of each kind? तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि एक शॉप है जिसमें कि एन टाइप्स की कैंडीज हैं और सबका प्राइस सेम है. तो जिम को क्या करना है कि उसमें से चार के कैंडीज बाई करनी है और कितने वेज में ये कैंडीज परचेज की जा सकती हैं वो हमें बताना है. तो वेज जहाँ पे भी आ जाएगा इसका मतलब है कि हम कॉम्बिनेशन की बात करें. यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि अगर के इज लेस देन एन तो उस केस में तो हम ये कहेंगे कि भाई कि एन में से के कैंडीज को चूज करने का जो वेज है वो एन सी के होगा और यूनिक सिलेक्शन है कि एन कैंडीज में से एक आइटम को एक बार सेलेक्ट किया जा सकता है. लेकिन ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि के इज ग्रेटर देन एन. तो इस केस में ये हम समझ पा रहे हैं कि एक ही कैंडी को एक से ज़्यादा बार पिक किया जा सकता है. तो एक ही टाइप की कैंडीज को अगर हम कई बार पिक कर सकते हैं तो रिपीटेड सिलेक्शन है. रिपीटेड सिलेक्शन के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं एन प्लस के माइनस वन सी के. तो हमें क्या करना है कि अल्टीमेटली एन प्लस के माइनस वन सी के कंप्यूट करना है. तो इनके जो टेस्ट केसेस हैं हम उनसे जरा इस अपने फार्मूला को वेरीफाई कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम इसको कोड करने की कोशिश करेंगे. सो हमारे पास टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होंगे और एन और के हमें गिवन है जो कि थाउजेंड थाउजेंड हो सकता है. तो ये बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं है. इसका मतलब क्या है कि हम इसको जनरेट कर सकते हैं लूप से फाइंड करके सोल्यूशन. तो इसका मतलब कि एन स्क्वायर तक अलाउड है सोल्यूशन हमारा. पहला टेस्ट केस इनका ये कहता है कि 4c1s 4 और 1 है. इसका मतलब है कि n की वैल्यू 4 है और k की वैल्यू 1 है. तो मुझे क्या करना है कि जो कैंडीज हैं उसमें से एक कैंडी चूज करना है. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 4 प्लस 1 माइनस 1 सी 1. फार्मूला एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या कहा था कि n प्लस k माइनस 1 सी के. हमें इस तरह का सोल्यूशन जनरेट करना है. तो इसमें से हम इसको अगर कैंसिल कर दें सो दिस इज 4c1. 4c1 की वैल्यू हमारी 4 होती है और 4 ही हमारा आंसर है. दूसरा ये कह रहा है कि हमारे पास दो टाइप की कैंडीज है मतलब n इक्वल्स टू 2 है और k की वैल्यू हमारी 3 है. तो इसमें अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे n प्लस k माइनस 1 सी के से 2 प्लस 3 माइनस 1 सी 3. सो इसका मतलब है कि हम 4c3 की बात कर रहे हैं. 4c3 की वैल्यू 4c1 के इक्वल होती है जिसकी वैल्यू 4 हो जाएगी. इसका मतलब कि हमारा आंसर 4 आना चाहिए और 4 आंसर हमारा आ रहा है. तो ये जो कॉम्बिनेशन हम जनरेट कर रहे हैं इसमें जो n और k की जो वैल्यूज है आप ध्यान से देख सकते हैं कि वो थाउजेंड थाउजेंड तक हो सकती है. तो इसका मतलब क्या है कि इससे जनरेट होने वाला जो वैल्यू है वो हमारा इंटीजर की रेंज को हो सकता है क्रॉस कर जाए. बड़ी वैल्यूज हो सकती हैं. तो मान लेंगे कि हमारा ये लॉन्ग आंसर एक्सेप्टेबल होगा. इनके कंस्ट्रेंट्स में भी गिवन है कि ये बड़ी वैल्यूज हो सकती हैं. तो आपको क्या करना है कि उस बड़ी वैल्यूज में से लास्ट के 9 डिजिट्स को पिक करना है. लास्ट के 9 डिजिट्स को पिक करने का मतलब है कि 10^9 से आपको मॉड्यूलो लेना पड़ेगा. तो आउटपुट फॉर्मेट में देख लीजिए. फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट द नंबर ऑफ वेज जिम कैन बाय कैंडीज फ्रॉम द शॉप इन अ न्यू लाइन. इफ द आंसर हैज मोर देन 9 डिजिट्स प्रिंट द लास्ट 9 डिजिट. इसका मतलब क्या है कि हम कॉम्बिनेशन जब जनरेट कर रहे होंगे तभी हम इसका मॉड्यूलो विद 10^9 ले लेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज कि जब आप कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में अगर आप सारे मल्टीप्लीकेशन एक साथ कर देंगे और देन मॉड्यूलो विद 10^9 लेंगे तो आंसर नेगेटिव आ सकता है. इसका मतलब क्या है कि जो साइक्लिक प्रोसेस होता है नंबर लाइन का उसके हिसाब से पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में चला जाएगा नंबर की रेंज को जब भी ये क्रॉस करेगा. तो इसलिए हमें क्या करना है इंश्योर करना है कि जनरेट करते करते जो है हम इसका मॉड्यूलो कंप्यूट करते रहें. नाउ NCR टाइप की जो वैल्यू होती है उसको जनरेट करने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि n को मल्टीप्लिकेशन कीजिए n माइनस वन से फिर इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए n माइनस टू से n सो ऑन सो फोर. ये हम चलते हैं n माइनस r प्लस वन एंड देन इसको डिवाइड कर दीजिए r. या फिर इसको हम ऐसे समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ फिर हम इसको जनरलाइज कर लेंगे. लेट्स से हमें 6c3 जनरेट करना है. तो हम इसको ऐसे करते हैं कि 6 × 5 × 4 / 3 × 2 × 1. हम ऐसे पहले न्यूमरेटर जनरेट कर लें और डिनोमिनेटर जनरेट कर लें
तो इस तरह से हम इसको कर पाएंगे। सो जनरलाइज फार्मूला इसका क्या होगा कि हम इसको n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n को n माइनस वन से, एंड देन n माइनस टू से मल्टीप्लाई इसको कर रहे हैं, एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं n माइनस आर प्लस वन से। और नीचे जो हम जनरेट कर रहे हैं वो कैसे जनरेट कर रहे हैं, r इंटू आर माइनस वन एंड सो ऑन सो फोर्थ वन तक। इसका मतलब क्या है कि हम r फैक्टोरियल नीचे जनरेट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में। सो अगर एक तरीका तो ये है कि हम इस तरह से जनरेट करें। दूसरा तरीका मेरे पास एक और है जो कि थोड़ा सा अच्छा सा तरीका, जिसमें कि स्पेस तो ज़्यादा लगेगा लेकिन वो जल्दी इससे सोल्यूशन हमारा जनरेट कर देगा। सो वो सोल्यूशन हमारा पास्कल्स ट्रायंगल का है। सो पास्कल्स ट्रायंगल हमें एनसीआर वैल्यू दे सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें अगर जनरेट करना है फोर और वन वाला, तो फोर और वन वाले के केस में हम क्या करते हैं कि पास्कल्स ट्रायंगल जनरेट कर लेते हैं। पास्कल्स ट्रायंगल को जनरेट करने के लिए अब एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज ले लेते हैं 4+1, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स ले लेते हैं वो ले लेते हैं 4+1। एन प्लस के की वैल्यू हमारी 4+1 है इस केस में, तो उससे एक ज़्यादा या दो ज़्यादा हम ले लेते हैं चलिए, या चलिए हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें कितना ज़्यादा लेना है पास्कल्स ट्रायंगल को जनरेट करने के लिए। अल्टीमेटली आपको क्या जनरेट करना है, आपको जनरेट करना है n प्लस के माइनस वन सी के। तो इस केस में जो रोज होनी चाहिए हमारी, इसको डिनोट करनी चाहिए n प्लस के माइनस वन। तो n प्लस के माइनस वन रोज अगर हमें चाहिए तो इसमें से माइनस वन को हमें हटाना पड़ेगा। तो नंबर जो रोज रो नंबर हमें टोटल चाहिए n प्लस के माइनस वन से, यहाँ पे हम ये डिनोट कर रहे हैं कि 4+1-1। तो माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फोर्थ रो में जाना पड़ेगा। फोर्थ रो का मतलब क्या है कि हमें जो नंबर ऑफ रोज इसमें डिफाइन करनी पड़ेगी इस मैट्रिक्स में, वो डिफाइन करनी पड़ेगी n प्लस k। अगर आप फाइव रोज जनरेट करेंगे तो उसमें से फोर इंडेक्स वाला जो रो होगा वही आपके आंसर के लिए वर्क करेगा। इसी तरह से जो कॉलम वैल्यूज हैं उसमें जितने साइज का हम रो ले रहे हैं उतने साइज का कॉलम तो कंपलसरीली हमें लेना ही है, लेकिन हम इसमें एक एडिशनल कॉलम भी ले लेते हैं जिसमें कि वैल्यू जीरो स्टोर कर देते हैं। और हमें काम करते हैं कि पहले पूरी मैट्रिक्स में वैल्यू जीरो स्टोर कर देते हैं, और इसके बाद फिर जो फर्स्ट रो है उसके इस कॉलम में वैल्यू वन पुट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं कि इन दोनों को सम करके यहाँ स्टोर करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स के हर सेल में वैल्यू जीरो है। तो हम इस तरह से सम करते करते वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे वन आएगा, सॉरी ये भी वन है। तो हमें जनरेट बस इसी कॉलम तक करना है। फिर हम सेकेंड कॉलम में जाते हैं, 0+0=0, 0+0=0 यहाँ पे, 0+1=1 यहाँ पे, 1+1=2 यहाँ पे, 1+0=1 यहाँ पे। फिर थर्ड रो में हम जाते हैं 0 यहाँ पे, फिर 0+0=0, 0+1=1, 1+2=3, 2+1=3 और 1+n। थोड़ी सी हमसे गलती हुई है, तो 0+1=1 हमारा यहाँ पे स्टोर होगा, 1+2=3 यहाँ पे स्टोर होगा, 2+1=3 यहाँ स्टोर होगा, और 1+0=1 यहाँ स्टोर होगा। तो इस वाले रो में वैल्यूज हैं 1, 3, 3, 1। फिर फोर्थ वाले में जाते हैं, 0+1=1 यहाँ स्टोर कर देते हैं, 1+3=3 यहाँ, 1+3=4 यहाँ स्टोर कर देते हैं, 3+3=6 यहाँ स्टोर कर देंगे, 3+1=4 यहाँ स्टोर कर देंगे, 1+0=1 यहाँ स्टोर कर देंगे। इसके बाद फिर हमें जो आंसर देना है वो इस केस में हमें आंसर देना है 4C1। 4C1 की वैल्यू हमारा कहाँ पे होगा, फोर्थ रो और कॉलम नंबर 1 में। तो 4C1 की जो हमारी वैल्यू है 4 होगी इस केस में। आप एक बार और भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं दूसरे एग्जांपल से या दूसरे टेस्ट केस से इनके। दूसरा टेस्ट केस ये कह रहा है कि हमें एन की वैल्यू 2 गिवेन है और के की वैल्यू 3 गिवेन है। सो जो नंबर ऑफ रोज आपको पिक करनी है वो एन प्लस के लेनी है, मतलब कि 2+1=3, 2+3=5 लेनी है। तो ये 5 रोज का हमारा अरेंजमेंट हो गया। नंबर ऑफ कॉलम्स इससे एक ज्यादा रहेगा, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 6 होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ हम 1 पुट कर लेते हैं और बाकी सभी सेल्स में 0 है ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। तो रो नंबर 1 से जनरेट करना स्टार्ट करते हैं, 0+0=0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, इन दोनों का सम 0, सॉरी इन दोनों का सम 1 और इन दोनों का सम भी 1। सो हर सेल में 0 है ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, केवल
जीरो नंबर रो और फोर नंबर कॉलम में वन था। तो जब हम जनरेट इसको कर रहे हैं तो ऐसे ही जनरेट कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि ब्लैंक सेल का मतलब जीरो है, फिर जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन टू, वन प्लस जीरो, वन प्लस जीरो इज वन, और यहाँ जीरो है ही है। थर्ड रो में जाते हैं तो जीरो प्लस जीरो इज जीरो, जीरो प्लस वन इज वन, वन प्लस टू इज थ्री, टू प्लस वन इज थ्री, वन प्लस जीरो इज वन, और यहाँ पे जीरो। फिर फोर्थ रो की बात करते हैं, जीरो प्लस वन इज वन, वन प्लस थ्री इज फोर, थ्री प्लस थ्री इज सिक्स, थ्री प्लस वन इज फोर, वन प्लस जीरो इज वन। हमें जो जनरेट करना है वो जनरेट करना है, एन की वैल्यू हमारी टू है, ए की वैल्यू थ्री है, तो हमें जो जनरेट करना है वो एन प्लस ए माइनस वन सी के जनरेट करना है। सो टू प्लस थ्री माइनस वन और सी थ्री, मतलब कि फोर सी थ्री हमें जनरेट करना है। आप देख सकते हैं कि फोर सी थ्री हमारा ये वैल्यू होगा फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम की वैल्यू, जिसका आंसर फोर है, और यही हमारे आउटपुट में गिवन है। तो हमें यही काम करना है कि अगर हमारे पास एन और के की वैल्यू गिवन है तो हमें एक मैट्रिक्स बनानी है। सोल्यूशन देख लेते हैं, तो हमें एक मैट्रिक्स बनानी है, वो मैट्रिक्स हमारी एन प्लस के रोज और एन प्लस के प्लस वन कॉलम्स की होगी, और सभी एलिमेंट्स को हमें जीरो इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ हमने वेक्टर और वेक्टर ले लिया है, और वेक्टर और वेक्टर लेने से हमें ये फायदा होता है कि इसके सारे एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली जीरो से इनिशियलाइज हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि जीरो नंबर रो और सेकेंड लास्ट कॉलम की जो वैल्यू उसको वन इनिशियलाइज कर लिया है। जितने भी रोज हमारे पास हैं उसमें हम एक बार जाते हैं और उसके सभी कॉलम की वैल्यूज को एक्सेप्ट द लास्ट कॉलम अपडेट करते हैं। कैसे अपडेट करेंगे, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि इस सेल की वैल्यू को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये सेल हमारा लेट से आई नंबर रो का जे कॉलम एलिमेंट है, तो हम इसकी वैल्यूज को कहाँ से लेके आएंगे, आई माइनस वन रो से लेके आएंगे जे नंबर कॉलम से, और आई माइनस रो में जे प्लस वन कॉलम से लेके आएंगे। इन दोनों वैल्यूज को जो भी सम होगा उसको हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। सो एम आई जे इक्वल्स टू एम आई माइनस वन जे प्लस एम आई माइनस वन जे प्लस वन है, इसको प्लस वन ले लीजिएगा आगे का कॉलम है, और इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके मॉडुलस विथ एम ले लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी हो सकती है, तो इस बड़ी वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने मॉडुलस विथ एम ले लिया। जब ये सारी वैल्यूज कंप्यूट हो गई तो हमें क्या करना है कि एन सी के जनरेट करना है। ये क्या होगा कि मैट्रिक्स के सॉरी एन प्लस वन एन प्लस के माइनस वन सी के जनरेट करना है। तो एन प्लस के माइनस वन रो में चले जाइएगा और उसके kth कॉलम में, यही हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि यही मैंने आंसर रिटर्न किया है। यहाँ मैंने इसके सोल्यूशन में एक चेंज ये किया है कि मैंने मान लिया है कि ये लॉन्ग वैल्यू होगी, इसका जो आंसर आएगा वो भी लॉन्ग आएगा, एंड जो हमने स्टोर किया है मेन में वहाँ पे भी हमने लॉन्ग वेरिएबल में इस रिजल्ट को स्टोर किया है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जब आप दो इंटीजर वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वो इंटीजर की रेंज को क्रॉस कर सकता है, तो उसको बचाने के लिए हमने इसको लॉन्ग ले लिया है। और निश्चित रूप से जो हम रेंज को क्रॉस कर रहा था उसको 10^9 से मॉड लेके फिर से उसको रेंज में ला देते हैं, तो ये हमारा आंसर लॉन्ग रिटर्न करेगा। फाइन, सो ये मेरा एक छोटा सा सोल्यूशन है, आइए इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आपके सैंपल टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। एंड ऑल अदर टेस्ट केसेस हैव आल्सो गॉट पास, तो इसका मतलब है कि हमने इसके सॉल्यूशन को डिजाइन कर लिया है बहुत ही आसानी से। सो ये मेरा के कैंडी स्टोर प्रॉब्लम है, ये हैकर रैंक पे मैथमेटिक्स सेक्शन की एक बेसिक प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी विल मीट अगेन विद सम अदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग।